What's up guys, I am AR. आज हम बात करने वाले हैं शॉल के बारे में। आपको पता है शॉल हमारा एक ट्रेडिशनल आउटफिट है और जब भी आप शॉल कैरी करते हैं आपकी लुक बहुत ज्यादा डैशिंग, क्लासी और रॉयल आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट मेन शॉल। इसके साथ साथ मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से डिफरेंट वे में शॉल को कैरी कर सकते हो। टिप नंबर 1 इज आउटफिट कॉम्बिनेशन। आपको शॉल कौन से आउटफिट के साथ पहननी चाहिए, तो आप शॉल को किसी भी कुर्ता पजामा के साथ पहन सकते हो, आप शॉल को शलवार कमीज के साथ भी पहन सकते हो और आप इसको पठानी सूट के साथ भी पहन सकते हो। एक गलती आपने नहीं करनी, मैंने देखा बहुत ज्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं, आपको कभी भी कैजुअल आउटफिट के साथ शॉल कैरी नहीं करनी। टिप नंबर 2 इज कलर कॉम्बिनेशन। आपको ये तो पता चल गया कि आपको शॉल के साथ कौन से आउटफिट चूज करने हैं, बट इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने आउटफिट के साथ शॉल का कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कलर कॉम्बिनेशन में आके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको एक टिप दूंगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आप डार्क कलर का कुर्ता पजामा या सलवार कमीज पहन रहे हो, उसके साथ आप लाइट कलर की शॉल लोगे, आप मेरा कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो। सेम एज अगर आप लाइट कलर का कुर्ता पजामा या सलवार कमीज पहन रहे हो, उसके साथ आप डार्क कलर की शॉल लोगे। टिप नंबर 3 इज टाइप ऑफ शॉल। तो दो टाइप की शॉल मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहली है वूल। आप मेरी शॉल देख सकते हो, मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है। वूल का सबसे ज्यादा फायदा ये होगा, एक तो आपको वार्म रखेगी और दूसरा आपके स्टाइल को भी मेंटेन रखेगी। सेकंड टाइप इज अजरक शॉल। अजरक में थोड़े से प्रिंट्स होते हैं, वूल मोस्टली सिंपल रहती है। अब आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। टिप नंबर 4 इज लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या चीज है, अगर तो ज्यादा सर्दी है तब आप लेयरिंग कर सकते हो, उससे आपका स्टाइल भी मेंटेन रहेगा और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। तो आप लेयरिंग किस तरीके से कर सकते हो, लाइक अगर आपने कुर्ता पजामा या सलवार कमीज के ऊपर वेस्टकोट पहनी है तो उसके ऊपर आप शॉल कैरी कर सकते हो। सेम है अगर आप प्रिंस कोट पहन रहे हो या आप स्वेटर्स पहन रहे हो, उसके साथ भी आप शॉल कैरी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आप शॉल को डिफरेंट तरीके से किस तरह से कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आपने शॉल को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने सिंपली इसको इस तरह से गले में डालना है। गले में डालने के बाद आपने दूसरा बाजू बाहर निकालना है। दूसरा बाजू बाहर निकाल लिया, उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी ज्यादा लेंथ रखनी है। थोड़ी सी लेंथ रखने के बाद आपने सिंपली इसको ऊपर कर लेना है। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये बनेगी आपकी पहली लुक। इसको आप शादी के फंक्शन पे भी पहन सकते हो, इसको आप क्वाली नाइट पे भी पहन सकते हो, फ्रेंड गैदरिंग में जा रहे हो तब भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा क्लासी लगोगे आप। भाई अब बात करते हैं लुक नंबर 2 की। लुक नंबर 2 में पहला स्टेप आपका सेम रहेगा, इस तरीके से आपने अपनी शॉल को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद सेकेंड स्टेप भी आपका सेम रहेगा, उसके बाद आपने अपने शॉल की एक साइड थोड़ी ज्यादा लंबी रखनी है। इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा लंबी रखेंगे, उसके बाद आपने अपना हाथ लोअर चेस्ट पे रखना है। लोअर चेस्ट पे रखने के बाद जहां पे आपका हाथ है वहां से आप अपनी शॉल को ऊपर कर लेंगे। ये बनेगी आपकी सेकेंड लुक। इस लुक को भी आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं, आप फ्रेंड गैदरिंग में भी पहन सकते हैं और आप इसको क्वाली नाइट पे भी पहन सकते हैं। बट मेक श्योर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आप इसको ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे। अगर आप इसको ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे ये बहुत ज्यादा बुरी लगेगी, और सेम है आपने इसको ज्यादा नीचे नहीं रखना इस तरीके से, तो इस चीज से आपने अवॉइड करना है। अब बात करते हैं लुक नंबर 3 की। लुक नंबर 3 में सेम स्टेप रहेगा, आप इस तरह से अपनी शॉल को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से गले में लेंगे। गले में लेने के बाद आप एक बाजू बाहर निकालेंगे इस तरीके से, और मेक श्योर करेंगे कि जो बाजू आपने बाहर निकाला है उसकी लेंथ थोड़ी लंबी रखेंगे। लंबी रखने के बाद सिंपल आप इसको ऊपर करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड पे इसको रख लेंगे इस तरीके से, और जब भी आप चलेंगे अपना हाथ आप इस तरीके से रखेंगे। ये लुक मैं आपको तब रेकमेंड करूंगा अगर आप मेहंदी के फंक्शन पे जा रहे हो, आप निकाह के फंक्शन पे जा रहे हो या आप किसी और शादी के फंक्शन पे जा रहे हो। आप ये लुक लेके जाओगे तो आप बहुत ही ज्यादा रॉयल लगने वाले हो, आपकी बहुत क्लासी पर्सनैलिटी आएगी। अब बात करते हैं लुक नंबर 4 की, जो कि बहुत ज्यादा ईजी है। आप सिंपल अपनी शॉल को इस तरह से फोल्ड करेंगे और आप इसको इस तरह से कैरी कर लेंगे।
बहुत ही ज्यादा इजी है, सिंपल है और बहुत ही ज्यादा क्लासी लगती है। ये मैं आपको तब रेकमेंड करूंगा जब आप ऑलरेडी कुर्ता पजामा या शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट पहन रहे हो, प्रिंस कोट पहन रहे हो या आप स्वेटर्स पहन रहे हो। ये लुक लेके भी आप किसी भी फंक्शन पे जाओगे, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। अब बात करते हैं लुक नंबर 5 की। लुक नंबर 5 में आपने अपनी सारी शॉल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली इस तरीके से इसको कैरी करना है। इस तरीके से कैरी करने के बाद आपने अपनी शॉल की एक साइड थोड़ी लंबी रखनी है। एक साइड की लेंथ लंबी रखने के बाद आपने सिंपल इसको ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको थोड़ा सा नीचे रखें। भाई ये स्टाइल आपको हमेशा शलवार कमीज के साथ कैरी करना चाहिए, बिकॉज जब भी आप शलवार कमीज के साथ ये स्टाइल कैरी करके किसी भी फंक्शन पे जाओगे, I can guarantee you आपकी लुक बहुत ज्यादा डैशिंग और रॉयल लगने वाली है। लुक नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आपने अपनी शॉल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सेम इस तरह से इसको कैरी करना है और मेक श्योर करना है कि आपकी शॉल की दोनों साइड्स इक्वल रहें। दोनों साइड्स इक्वल करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। तो ये लुक भी आपको बहुत ज्यादा रॉयल बनाएगी और आप इसको किसी भी फंक्शन पे पहन सकते हैं। शादी के फंक्शन पे भी यूज कर सकते हैं, आपका कोई ट्रेडिशनल इवेंट है या कोई फंक्शन है तब भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, या आप फ्रेंड गैदरिंग में जा रहे हैं तब भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। लुक नंबर 7 में भी आप अपनी शॉल को इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सिंपली इस तरीके से इसको कैरी करेंगे। कैरी करने के बाद आप शॉल की एक साइड की लेंथ थोड़ी लंबी रखेंगे इस तरीके से। लेंथ लंबी रखने के बाद इस साइड की आप लेंथ लंबी रखेंगे, उसका बाजू बाहर निकालेंगे और सिंपल आप इसको इस तरीके से अप कर लेंगे। ये स्टाइल मैं आपको तब रेकमेंड करूंगा अगर आप कुर्ता पजामा या सलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट, प्रिंस कोट या स्वेटर नहीं पहनते, बिकॉज अगर आप वो आउटफिट पहन लोगे तो वो आउटफिट आपके कवर हो जाएंगे और आपकी इतनी क्लासी लुक नहीं आएगी। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेन शॉल। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फिटनेस, फैशन एंड ग्रूमिंग। आई विश यू गुड, टेक केयर।